नमस्कार दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में आखिरकार हम जिस घड़ी का इंतजार कर रहे थे वो कुछ ही घंटों में आने वाली है। जी दोस्तों, जल्दी हमें नीरज चोपड़ा एक्शन में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो कब और कितने बजे शुरू होगा नीरज चोपड़ा का ये महामुकाबला, और साथ ही नीरज चोपड़ा के थोड़ी देर बाद भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में जर्मनी की टीम के खिलाफ भिड़ने वाली है। तो क्या इन दोनों मुकाबलों का पूरा शेड्यूल बताएंगे दोस्तों आपको हमारी इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम भारत के लिए इस बार गोल्ड मेडल आए, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत की नजर पेरिस ओलंपिक पर टिकी हुई है, और सबसे बड़ा नाम पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से नीरज चोपड़ा का है, और अभी तक वो इस पेरिस ओलंपिक में खेलते हुए नजर नहीं आए हैं। और 6 अगस्त को नीरज चोपड़ा का क्वालिफिकेशन ग्रुप ए मुकाबला होगा, और यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:50 पर होने वाला है, और इसके कुछ घंटों बाद भारतीय हॉकी टीम भी जर्मनी की टीम के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेलेगी, और यह मुकाबला भारतीय समय अनुसार कल यानी कि 6 अगस्त को ही रात 10:30 पर खेला जाएगा। तो 6 अगस्त को नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम हमें भारत के लिए इतिहास रचते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, क्या नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम इस बार भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड ला पाएंगे या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।